गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मतलब ये जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, ये जो वाटर का रेयर केस है कि वाटर जब कोल्ड किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह, साइज़ में छोटे होने की जगह साइज़ में इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो एनोमलस एक्सपेंशन है वाटर का, एक अलग तरीके का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? तो फर्स्ट, द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वाटिक लाइफ ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड वेदर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि वेन देर इज़ लॉट, इफ देर इज़ अ विंटर सीजन एंड देर इज़ लॉट ऑफ कोल्ड, बहुत ठंड पड़ रही है, तो ठंड पड़ने पे जो पानी है रिवर का, लेक का और ओशियंस, उनके वाटर क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो जब फ्रीज हो जाते हैं तो हमको पता है ढेर सारे वाटर एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं, तो क्या वाटर के फ्रीज होने की वजह से वो वाटर एनिमल्स ड्राई कर जाते हैं? अगर वाटर पूरी तरफ से बर्फ बन गया है तो वाटर एनिमल्स तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट वाटर एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो आइस का लेयर है वो ऊपर रहता है, टॉप पे वो आइस का लेयर बना हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और बिलो पोर्शन में टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया है जो कि है 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने होप्स एक्सपेरिमेंट में देखा था कि ऊपर की जो लेयर है कोल्ड वेदर की वजह से वो तो एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गई है, बट जो इनर लेयर है वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके कॉन्स्टेंट हो गया, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है। इन कोल्ड वेदर और विंटर, व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग वेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड और लेक इनिशियली एट टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस बिगेंस टू रेडिएट हीट टू द एटमोसफियर, सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग। तो जब एटमोसफियर का टेम्परेचर हमारे कोल्ड हो जाता है, अगर एटमोसफियर का टेम्परेचर कोल्ड है और जो वाटर है वो उस एटमोसफियर के टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट है, तो हॉट और कोल्ड में क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसमिशन होगा। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट देगी, ये मैंने आपको बताया कि हॉट बॉडी का हीट जो है कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वाटर का जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट है, तो धीरे धीरे हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है उस कोल्ड वेदर में ट्रांसफ़र होने लगेगा और दोनों का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा। When the temperature of water at surface fall, water contracts, so its density increases and therefore it sinks to bottom. जैसे ही water का temperature, जो surface water है, जो ऊपर में water है, उसका temperature जब down होता है, कम होने लगता है, तो हमने पढ़ा है कि जब temperature कम हो, यानी कोई body अगर cold होती है, ठंडी हो जाती है, तो वो contract करती है, उसकी size छोटी हो जाती है, तो ऊपर का जो वाटर है वो धीरे धीरे बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट होने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा और नीचे वाले पानी की तरफ चला जाएगा। जब छोटा होगा तो नीचे अंदर डूब जाएगा, जब वो अंदर डूबेगा तो जो नीचे का वाटर बचा हुआ है वो ऊपर आएगा धीरे धीरे। This continues till the temperature of entire water reaches to 4 degree Celsius. ये ऊपर के लेयर का ठंडा होना, ठंडा होके कॉन्ट्रैक्ट होना और कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर वाटर के अंदर चले जाना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो इनर वाटर है, अंदर का वाटर है, वो 4 degree Celsius तक नहीं पहुँचाता। On further cooling of top layers below 4 degree Celsius, resulting इन एक्सपेंशन ऑफ वाटर, सो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। अब जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम होने लगता है, बिलो आने लगता है टेम्परेचर, तो हमने पढ़ा है एनोमलस एक्सपेंशन में कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर में कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन होने लगता है। जब तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, पहले वाटर का टेम्परेचर क्या था, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था,
तो जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, उस समय उसके ऊपर एनोमलस एक्सपेंशन का कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा था। तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एटमोसफियर का ठंड उस वाटर पे पड़ा, क्या हुआ, टेम्परेचर के कम होने की वजह से धीरे धीरे वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, साइज़ में छोटा होने लगा, फ्रीज होने लगा, और फ्रीज हो के ग्राउंड वाटर में जाके नीचे की तरफ जाने लगा, और जो नीचे वाला वाटर था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगा। लेकिन जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब उस टेम्परेचर में उस चेंज के वजह से 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन की जगह अब एक्सपेंशन होने लगा। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हमने पढ़ा है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, एक्सपेंशन होता है। तो अब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, वाटर अब एक्सपेंड करने लगा है धीरे धीरे। एज अ रिजल्ट वाटर डज नॉट सिंक फर्दर। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब तो बार बार नीचे डूब जा रहा था, नीचे की तरफ चला जा रहा था, पर जब एक्सपेंड कर रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है, तो वो ऊपर की लेयर पे ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। धीरे धीरे जो ऊपर वाली लेयर है, अब वो नीचे जाना रुक गया है उसका, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर में ही है। तो जो वाटर की लेयर अब ऊपर में ही रुक के रह गई है, वो एटमॉस्फेयर के ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से धीरे धीरे जमने लगेगी, और नीचे का जो वाटर है, उस लेयर के नीचे का जो वाटर है, वो तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंचा, वाटर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन होने लगा। जब एक्सपेंशन होगा तो अब वाटर नीचे नहीं आएगा, जो सरफेस वाला वाटर था वो उसका नीचे आना बंद हो गया, वो ऊपर ही रुक गया। तो ऊपर रुक गया तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के ठंड की वजह से उसका टेम्परेचर और भी कम होने लगा, और वो फ्रीज होके 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। बट जो अंडर का वाटर है वो अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पे रुका हुआ है। इसीलिए जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं वो अंडर वाटर सर्वाइव कर जाते हैं कोल्ड वेदर में भी, क्योंकि जो पानी की सतह है, नीचे का जो वाटर है, वो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बर्फ़ नहीं बना होता है, सिर्फ ऊपर की लेयर जो है वो बर्फ़ बनी होती है, नीचे में वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। As a result, water does not sink further, but it remains on the surface. When the temperature of atmosphere falls below 0 degrees Celsius, water on the surface loses heat to the atmosphere and gradually freezes into ice. हमने पढ़ा, जब अब वाटर नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, अब वो ऊपर ही रुक गया है एक्सपेंशन की वजह से, तो धीरे धीरे एटमोसफियर में और भी ठंड है, ठंडी पड़ रही है। जब वाटर अब नीचे जा ही नहीं रहा है, ऊपर एक जगह पे आके रुक गया है, तो एटमॉस्फेयर की ठंड की वजह से जो ऊपर वाली लेयर है वो एकदम आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। बट वाटर वेल बिलो द आइस लेयर रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइस लेयर के नीचे का जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया है। द वाटर लेयर जस्ट बिलो द आइस इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, शोज द फॉर्मेशन ऑफ आइस एट द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड। इसीलिए हमको सरफेस पे आइस दिखता है। इसलिए कभी ऐसा हो कि कोई रिवर है या कोई लेक है, अगर हम ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वो वाटर एकदम फ्रीज हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम उस पर वॉक करके चले जाएं। नहीं, क्योंकि नीचे में जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, आप आइस पे पैर रखो तो आप उसके अंदर सिंक कर जाओ, वो आइस ब्रेक कर जाए और आप पानी के अंदर चले जाओ। As a result, fish and other aquatic creatures remain alive in water of the pond, though water on the surface has frozen into ice. से क्या होता है, जो सरफेस का वाटर है वो एक्सपेंशन की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, फ्रीज हो जाता है, पर जो अंडर का वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आके रुका हुआ है। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं इन विंटर सीजन। नेचर थस प्रोटेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इस तरह से जो नेचर है विंटर सीजन में एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट कर देती है। नाउ सी कैसे, किस तरह से हर एक नेचर ने हर चीज़ को क्रिएट किया है, कैसे एक एनोमलस बिहेवियर वाटर के अंदर आया, जहाँ हमें पता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसकी साइज़ छोटी होती है। वही हमने वाटर के केस में पाया कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर
कॉन्ट्रैक्ट साइज में छोटा होने की जगह एक्सपेंड कर जाता है और ये 4 डिग्री सेल्सियस जो अंडर वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आके रुक जाता है, जबकि ऊपर की लेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। नेक्स्ट, द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइंस एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड नाइट। इन विंटर नाइट्स एज द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इन द पाइपलाइंस एक्सपेंड एंड इट एक्सर्ट लार्ज प्रेशर ऑन द पाइप कॉजिंग देम टू बर्स्ट। ठीक है, जब भी ठंड पड़ती है अगर जो वाटर पाइप्स है उनमें पानी जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, पाइप में अगर कोई बर्फ जमी है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो, साइज में छोटी हो, तो पाइप से इजीली निकल जाएगी। लेकिन हमने वाटर में पाया है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक्सपेंशन होता है, तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वाटर क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से वाटर पाइप्स ब्रेक कर जाती हैं। प्लांट्स ऑल्सो डाई फॉर द सेम रीज़न एज देयर कैपिलरीज बर्स्ट व्हेन वाटर एक्सपेंड्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। सेम इन केस ऑफ प्लांट्स भी यही होता है, वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो में एक्सपेंड कर जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो जो साइज में बड़ा होता है तो उससे उसकी कैपिलरीज ब्रेक कर जाती हैं। तो देर आर 2 consequences ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर दैट आर, फर्स्ट कि किस तरह से एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं वाटर में, और सेकेंड कि किस तरह से एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से वाटर पाइप बर्स्ट कर जाते हैं या क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वॉट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? इन 1824 जोसेफ फोरियर डिस्कवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लैनेट सरफेस एंड इट्स लोअर एटमोसफियर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। नाउ ये जो पूरी लाइन है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन है, तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि अभी हमने सिलेबस में देखा दैट वी हैव टू लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो सन की इंफ्रारेड रेडिएशन है, सन में अलग अलग तरीके के रेडिएशंस होते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, और उन रेडिएशंस की एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो जब ये रेडिएशंस हमारे प्लैनेट पे पड़ते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे प्लैनेट को गर्म करने लगते हैं, तो उस प्लैनेट के गर्म होने की वजह से धीरे धीरे हमारा प्लैनेट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा। अगर हमारे अर्थ, इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, इतनी कि हम अब सर्वाइव ना कर पाए, तो हमारा सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली वार्मिंग ऑफ प्लैनेट सरफेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिससे सन के इंफ्रारेड रेडिएशंस या हाई लेंथ रेडिएशन की वजह से किसी भी प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो जाता है। The solar radiations coming from sun have high energy radiations such as gamma rays, x-rays, visible light, low energy radiations such as visible light, infrared radiations and radio waves. Our Earth's atmosphere is transparent only for visible light and infrared radiation of short length. Gamma rays, x-rays, ultraviolet rays are absorbed by ozone layer surrounding the Earth, while infrared radiations of long wavelength and radio waves are reflected back into the space by ionosphere, the uppermost layer of Earth and the polar ice cap. The solar radiation which pass through the atmosphere of Earth are absorbed by the clouds, Earth surface and sea water due to which Earth surface get heated up. अब हमको पता है जो सन है उसमें ढेर सारे radiations पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के rays होते हैं। कुछ रेस से हमारा ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट कर लेता है, कुछ रेस जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके सन के डायरेक्शन में चले जाते हैं, बट कुछ रेडिएशंस हैं जिनको ओजोन लेयर या ये रिफ्लेक्शन भी नहीं रोक सकता है, और वो रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और धीरे धीरे हमारे क्लाउड्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हमारे क्लाउड्स उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या जो हमारा सी वाटर है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उन रेडिएशन के वजह से हमारे क्लाउड्स
यानी हमारा एटमॉस्फियर एकदम गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। नाउ अर्थ सरफेस रेडिएट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। फॉर दिस रेडिएशन द अर्थ एटमॉस्फियर इज ओपेक, सो दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स एंड आर अब्सॉर्ब बाय द गैसेस प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस। थस द क्लाउड्स एंड गैसेस प्रिवेंट द लॉन्ग वेवलेंथ एंड इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम स्केपिंग इन टू स्पेस एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वॉर्म, शोज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो उनका वेवलेंथ काफ़ी लॉन्ग होता है, तो उन रेडिएशंस के साथ क्या होता है, वो अर्थ एटमोसफियर से रिफ्लेक्ट होके क्लाउड्स में चले जाते हैं और क्लाउड्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी हमारे एटमॉस्फियर में गैसेस होती हैं उनमें भी जाके वो इंफ्रारेड रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फियर जो है पूरा गैसेस से बना है, हमारा क्लाउड है उसमें पूरा जाके इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये रेडिएशंस काफ़ी हार्मफुल होती हैं और धीरे धीरे हमारे अर्थ को हीट करती हैं, गर्म करती हैं। तो जब हमारा अर्थ एकदम गर्म हो जाएगा तो हम इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपने शायद ये पहले भी पढ़ा होगा कि हमें बताया जाता है कि जब हमारा जो हमारा अर्थ था वो काफ़ी गर्म होता था, आग का गोला लोग बोलते थे हमारे अर्थ को, काफ़ी टाइम बाद धीरे धीरे हमारा अर्थ कूल हुआ, जिसके बाद हमारे अर्थ पे ह्यूमन सर्वाइवल या किसी भी चीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाया। तो वैसे ही अब हमारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी उन एक्टिविटीज़ की वजह से धीरे धीरे सोलर रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से, ओजोन लेयर में डिप्लीशन आने की वजह से अब सोलर एनर्जी यानी सोलर रेडिएशंस ढेर सारी हमारी अर्थ पे आ रही हैं, और अर्थ पे आने के बाद हमारे क्लाउड्स, हमारा सी या हमारे एटमोसफियर की जो गैसेस हैं उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, और उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। इसीलिए अब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इवन वी हैव सीन 50 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ द टेम्परेचर हैज़ गॉन वेरी हाई बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। The gases which are good absorber of long wavelength infrared radiations are called greenhouse gases. अब जो gases हैं जो ज़्यादा amount में इस infrared rays को absorb कर पाती हैं उनको हम बोलते हैं greenhouse gases। और ये gases हमारे लिए harmful होती हैं। क्यों harmful होती हैं? क्योंकि ये ज़्यादा amount में sun के radiation को absorb कर सकती हैं। तो हमारे एटमॉस्फियर में ये गैसेस है और ये ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये हमारे एटमॉस्फियर को और भी गर्म कर देंगी। और ये कौन सी गैसेस है? दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दीज गैसेस कंट्रीब्यूट इन ट्रैपिंग द हीट एनर्जी विद इन द एटमॉस्फियर। The naturally occurring greenhouse gases have an average warming effect on Earth's surface of about 15.5 degrees Celsius. Now see, एक average amount of जो greenhouse gas है वो around हमारे Earth को 15.5 degree Celsius तक गर्म कर सकता है। In absence of greenhouse gases in atmosphere, entire heat energy radiated from Earth's surface and object would escape out into the space and then the average temperature on earth would be minus 18 degree Celsius instead of being 15.5 degree Celsius. अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसेज होने के कारण ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जा रहा है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहा है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो ये जो रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, ये वापस स्पेस में चली जाती, और स्पेस में चली जाती तो हमारा अर्थ जो है काफ़ी कूल रहता, ठंडा रहता, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता। ऑन दी अदर हैंड, इफ देर इज एन इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफियर, द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ विल राइज एंड इट विल बी अबव 15.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ऐसे ही हमारे एटमोसफियर में रहेंगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन इट्स एटमोसफियर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज जस्ट इंक्रीज इन एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो एवरेज इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में किसके वजह से? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से।
हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जो इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सर्फेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट में इंक्रीज होने की वजह से जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. Our Earth gets heat up due to absorption of visible and short infrared radiations received from sun. ये मैंने अभी आपको explain किया कि जो हमारा Earth है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि वो sun के infrared radiations को absorb कर रहा है. तो जब गर्म हो रहा है heat up हो रहा है इसका मतलब उसका temperature increase हो रहा है. तो ये जो average increase in temperature है due to greenhouse gases is called global warming. The greenhouse gases, namely the carbon dioxide, water vapors, methane and chlorofluorocarbons trap the infrared radiations of long wavelength emitted from the Earth's surface and thus keep the Earth's surface warm at an average temperature of 15.5 degrees Celsius. ये ग्रीनहाउस गैसेस जो हैं उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट डिकेड्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स इन द 20th सेंचुरी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ राइज़न एट अ रेट ऑफ 0.74 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड. हमने 50 ईयर्स में ऑलमोस्ट ये नोटिस किया है कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. नाउ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज मच मोर. अब जो टेम्परेचर का इंक्रीज है और भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, इसके वजह से धीरे धीरे और भी रेडिएशंस हमारे अर्थ तक आ रही हैं जिनके वजह से टेम्परेचर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा. An increase in average temperature of Earth implies an increase in the amount of greenhouse gases present in its atmosphere. अगर हमारे Earth का temperature बहुत ज़्यादा increase हो रहा है इसका मतलब कि greenhouse gases ज़्यादा increase हो रही हैं तभी तो वो और भी ज़्यादा radiation को absorb कर रही हैं. हमको ये पता है कि radiation को absorb करने का medium सिर्फ greenhouse gases हैं. अगर greenhouse gases नहीं होती तो Earth का temperature increase नहीं होता. But ग्रीन हाउस गैसेज हैं और हमारे एक्टिविटीज़ के वजह से ग्रीन हाउस गैसेज और भी ज़्यादा अमाउंट में हो गई हैं जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हैं. It is believed that human activities such as burning of fossil fuels, industrial growth, clearing of forests, etc. have played a significant role in increasing the greenhouse gases. हमारी जो कुछ activities हैं जैसे कि burning of fossil fuels, industrial growth या clearing of forest, ये सारी चीज़ें contribute कर रही हैं greenhouse gases को बढ़ाने में. और जब greenhouse gases ज़्यादा amount में है तो वो ढेर सारा radiation absorb करके earth को गर्म कर देगा और एक टाइम में अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. सिर्फ इतना आपको कवर अप करना है. नो मोर पोर्शंस आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर. ओनली दिस मच पोर्शंस यू हैव टू स्टडी. इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन इन एनी टॉपिक यू हैव टू आस्क मी. ओके, because we will clear this out in this video class and soon I will provide you the solution of your exercises. Thank you.